नमस्कार दोस्तों, आप सबका लक्ष्मी किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सन, जो बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं, जो आप घर में आराम से बना सकते हैं। तो आइए उसका हम सामग्री आपको दिखाते हैं। आज हम आपको स्पेशल सैंडविच बनाना चाहेंगे दो तरीके से। एक तो टोस्टर मशीन है, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो हम तावे पे भी आराम से बना सकते। तो आइए हम बना के आपको दिखाते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमें एक सॉफ्ट और चौड़ा ब्रेड चाहिए, जिसे हमने ले लिया है। तीन लोगों के लिए मैंने 10 ब्रेड ले लिया है। सैंडविच बनाने के लिए देखिए क्या क्या लिया हमने। एक मैंने खीरा लेके जिसे बारीक काट लिया है, और मैंने 3 टमाटर बारीक काट लिया है, और 2 प्याज मैंने काट लिया एकदम बारीक, और 1 शिमला मिर्च काट लिया एकदम बारीक। दोस्तों सैंडविच बनाने के लिए मैंने मेयोनीज ले लिया है, और ये देखिए बटर ले लिया है, और ये स्वीट कॉर्न ले लिया है, और ये मैंने धनिया और मिर्ची की चटनी जिसे हम ब्रेड में लगाएंगे, और मैंने चीज ले लिया है ब्रेड पे लगाने के लिए। चलिए दोस्तों हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। गरम कर लेंगे। एक मैं बड़ा से कटोरा ले ली हूँ, उसमें सारी सामग्री सैंडविच का हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो आइए देखिए, टमाटर है, स्वीट कॉर्न ले रहे हैं, ये खीरा, और बारीक कटी हुई प्याज हम इसमें डाल लेंगे, ये शिमला मिर्च अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। देखिए दोस्तों हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, जिसे देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। पहले हम बटर लगा लेंगे, इसके बाद चटनी लगा लेंगे, और फिर हम मसाला लगा लेंगे, अच्छे से चख लेंगे, और फिर इसी तरह हम दूसरे ब्रेड तैयार कर लेंगे। सबसे पहले बटर लगा लेंगे, और चटनी लगा लेंगे, ब्रेड को लगा करके इसमें हम रख के इसको बंद कर देंगे। ये तो हमारा हो गया ट्विस्टर वाला। अब हम तवा का बनाना सिखाते हैं, और तवे को हम रखेंगे गर्म होने के लिए। सेम टू सेम वही करेंगे, पहले हम बटर लगा लेंगे, इसके बाद चटनी लगा लेंगे, और फिर हम मसाला लगा लेंगे, अच्छे से चख लेंगे, तो इसी तरह हम दूसरे ब्रेड तैयार कर लेंगे। सबसे पहले बटर लगा लेंगे, और चटनी लगा लेंगे, ब्रेड को लगा करके तवा पे सबसे पहले हम बटर डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं बटर लगा के हम इस तवे पे इसको धीमी आंच पे रख देंगे, प्लेट से हम इसे ढक देंगे, जिससे मेरा फटाफट तैयार हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये हमारा पक के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आइए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा सॉस है, और ये बटर है, इसे हम अच्छे से लगा लेंगे, लगा करके टमाटर की चटनी से हम इसे लगा के आप सर्व कर सकते हैं। तो आइए, ये भी पक चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और टेस्टी बन के तैयार हो चुका है। इसे हम ऑफ कर देंगे, प्लेट में निकाल लेंगे।
हमारा दोनों सैंडविच बनके तैयार हो चुका है, टोस्टर मशीन का भी और तवे का भी। आपको टोस्टर का पसंद आया है या तवे का, जो भी पसंद आया है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आइए हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों।